अस्सलाम वालेकुम जी, कुकिंग विद शेफ काशिफ में फिर से खुश आमदीद। आज हम फिर बारबेक्यू की एक रेसिपी ट्राई करने लगे हैं। सेम जो है रेस्टोरेंट का स्टाइल, आपको भी रेस्टोरेंट का टेस्ट मिलेगा। वीडियो को आपने पूरा देखना है, ठीक है। शीशताक बोटी जो है हम बना रहे हैं, जो वेजिटेबल्स के साथ सर्व होती है। उसके लिए हमने जो है मीट लिया है 1.5 kg, यानी कि 1.5 किलो बोनलेस हमने मीट लिया है। ये लेग का और चेस्ट का दोनों पोर्शन का है, ठीक है। अगर आप थाई का यूज़ करना चाहते हैं तो सारा थाई का करें, थाई का ज़्यादा जूसी होता है। हमने जो है मिक्स करके लिया है। इसकी हमने कटिंग अब करनी है। कटिंग देखेंगे कि कैसे हम करेंगे इसकी। डोर बंद। ये हमने इस तरह इतने पीसेस की जो है इसको हमने क्यूब शेप में कटिंग करनी है इसकी। मीट को जो है हमने सारे को कट कर लिया, ठीक है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले उसी तरह से जैसे हमने मलाई बोटी और मुगलाई बोटी को किया था, इसको विनीगर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और साल्ट लगा के थोड़ी देर के लिए रखेंगे, ताकि हमारा जो मीट है वो टेंडर हो जाए और कोई ब्लड वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाएगा। 5 टेबल स्पून हम इसमें विनीगर डालेंगे। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून, ठीक है जी। सॉल्ट हम इसमें डालेंगे 3/4 टेबल स्पून, ठीक है। इसको हमने जो है अच्छी तरह से मिक्स करके रख देना है कम से कम आधे घंटे के लिए। ये चिकन को जो है हमने विनेगर, गार्लिक और साल्ट लगा के आधे घंटे के लिए रख लिया है। अब हमने इसको जो है स्टेन करना है। स्टेनर में डाल के हम इसे जो है 5 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि इसका एक्स्ट्रा जो पानी और सिरका वगैरह है वो निकल जाए। फिर हम इसको जो है मैरिनेट करेंगे। चिकन की हम मैरिनेशन अब स्टार्ट करेंगे। ग्रीन चिलीज हमने चॉप की हुई हैं, ये हम डालेंगे 2 टेबल स्पून। क्रश चिली हम लेंगे, दड़ा मिर्च 1 टेबल स्पून हम ये डालेंगे। ब्लैक पेपर क्रश ये हमने ली है, ये हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, ठीक है। ये आपने क्रश डालनी है, पाउडर नहीं डालनी। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून ये हम इसमें डालेंगे। लेमन जूस ये हमने फ्रेश लेमन का लेमन जूस जो है वो निकाल के रखा हुआ है 2 टेबल स्पून ये हम इसमें ऐड करेंगे। सॉल्ट जो है ये हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद टमाटो प्यूरी है हमारे पास, जिसे टमाटो पेस्ट भी कहते हैं, ये इसमें जाएगा। ये हम डालेंगे इसमें 7 टेबल। मस्टर्ड पेस्ट हम लेंगे 2 टेबल स्पून ये हम उसमें डालेंगे। उसके बाद जो है हमने कैचअप इसमें शामिल करनी है, किसी भी कंपनी की। थ्री टेबल स्पून हम इसमें कैचअप डालेंगे। अब हमने जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारे मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें हम आखिर में डाल रहे हैं कचरी पाउडर, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था, ये मीट को जो है चिकन को गलाने के लिए होता है, वैसे इसका कोई टेस्ट नहीं होता। ये हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून। अगर आपने मैरिनेट करके ज़्यादा देर के लिए रखना है तो हम जस्ट जो है 1 टेबल स्पून डालेंगे, ठीक है। ठीक है, इस वक्त हमने थोड़ा सा इस वजह से ज़्यादा डाला है क्योंकि हम इसको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। हमने 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखना है। ये चिकन की जो है हमने मैरिनेट करके फ्रिज में उसे रख दिया। अब यहाँ पे हमने वेजिटेबल ली है जो इसके साथ गार्निश के लिए सर्व होती है। ये हमने जो है टमाटो लिए हैं 3 अदद, कैप्सिकम लिए है, शिमला मिर्च 2 अदद और प्याज लिए हमने 2 अदद दरमियाने साइज़ के, ठीक है।
उनको जो है हमने सीडलेस करके इस तरह से क्यूब कटिंग में काट लिया है सारी वेजिटेबल्स को। ये कैप्सिकम है हमारे पास, ये ओनियन है, और सात से आठ हमने जो है ग्रीन चिलीज लेके बड़ी वाली उनको काट के उसका जो है बीज उतार लिया है। ठीक है, अगर ये अप्लाई करते हैं तो ये भी आप इसमें गार्निश के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम जो है थोड़ा सा मैरिनेट कर लेंगे ताकि इसका भी हमें जो है चिकन के साथ फ्लेवर आए। 1 टेबल स्पून हम इसमें क्रश चिली डालेंगे, ड्राई कोरिएंडर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, और सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून। उसके बाद इसमें भी हम टमाटो प्यूरी शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून इसमें टमाटो प्यूरी जाएगी। मस्टर्ड पेस्ट हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून, और चिकन की तरह जो है हमने वेजिटेबल्स को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये वेजिटेबल जो है हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। ठीक है, इसे भी हम जो है फ्रिज में रख लेंगे। बोटी को जो है हमने 2 घंटे के बाद फ्रिज से निकाल के अब हमने इसको सीखों पर भरना है। ठीक है, इसे पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने एक तरफ से सीख में परो के दूसरी तरफ से निकाल देनी है, और कोशिश ये करनी है कि इसको हमने परोना इस तरह से है कि ये लटके नहीं। इस तरह से करके हम अपने पूरे चिकन को सीखों में परो लेंगे। ये तकरीबन हमारे अंगीठी के साइज़ के हिसाब से 6 पीसीज हम एक सीख में परो सकते हैं। ठीक है, आगे से जो है हमें इतना हिस्सा वो छोड़ देना है। देख, इस तरह से हमारी सीख अच्छी तरह से आ गई। हमारा कोयला जो है इस वक्त वो जल चुका है सारा, इसको हमने फैला लेना है। बोटी हमने सीखों पर भर ली है। ठीक है जी, इसको हम क्या करेंगे, चिकन को हम कोयलों के ऊपर रख देंगे, और जो वेजिटेबल जो है वो हम अलहदा से उसको सीखों में परो लेंगे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ये जो वेजिटेबल को हमने मैरिनेट किया था इसको भी हम सीखों में परो लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने एक एक वेजिटेबल पकड़नी है और इसको सीखों में इस तरह से परो लेंगे। इस तरह से करके जो है हम सारी वेजिटेबल को हमने सीखों पे ले आना है। ये हमारी बोटी जो एक तरफ से पक चुकी है, इसकी हम साइड जो है दूसरी तरफ से उसको कर रहे हैं। ठीक है, शीश टॉक जो है हमारी दोनों तरफ से पक चुकी है। अब हमने इसके जो है सेंटर में कट्स लगाने ताकि हमारा जो मीट है वो अंदर तक पक जाए। ठीक है, आराम से इसके कट्स लगाने ताकि हमारी बोटी जो है वो नीचे गिरे नहीं। इस तरह से करके सारी सीखों के हम कट्स लगा देंगे पहले। जी, हमने जो है बोटी को जो है दोनों तरह से कट्स लगा दिए। वेजिटेबल जो हमने फिलिंग की थी वो भी ऊपर रख दी है। अब हमने क्या करना है, इसकी साइडें लगानी है बोटी की दोनों तरफ से। ठीक है, ये वाली इस तरह से।
ऊपर नीचे से पक चुकी है, लेकिन हमने साइडें भी पकानी है। बोटी की जो है एक साइड पक चुकी है, अब हमने जो है दूसरी साइड उसकी उसी तरह से चेंज करते हैं। सेम उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो हमने ऊपर कर देनी है, और पहले वाली साइड जो है हम उसको नीचे कर देंगे। बोटी हमारी जो है तकरीबन पक चुकी है, अब हमने आकर पे इसके ऊपर जो है हल्का हल्का ऑयल लगा के इसे थोड़ी देर कुक करके, ताकि हमारे जो है बोटी पे शाइनिंग आ जाए, इसको हम जो है उतार लेंगे। इसी तरह से हमने ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको भी ऑयल लगा लेना है, ठीक है। कोयलों पे रखा है, जस्ट हमने आधे मिनट के लिए दोनों तरफ से पका के इसको हमने उतार लेना है। बोटी हमारी जो है रेडी हो चुकी है, अब हमने जो है इसको सीखों से उतार लेना है। जिस तरह हमने बोटी को उतारा था, इसी तरह से हमने ये जो वेजिटेबल है इसके ऊपर वो हमने उतार देनी है, इस तरह से होगी। अब हमने इसकी करनी है प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये सीजलर हमने जो है पहले से गर्म करके रखा हुआ था, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम इसकी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इसमें ओनियन जो है वो हमने काट के फैला देना है। अब हमें इसमें जो है वो अपनी बोटी रखेंगे जो हमने अभी कुक की है। इसके ऊपर जो है हम वेजिटेबल जो है वो फैला के डाल देंगे। साइडों पे हमने जो है थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। लेडी शिष्टाक बोटी हमारी रेडी है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।